हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 5th of May 2020। तो 5 मई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, दोज हू वांट टू जॉइन द टेम्प्स पोर्टल, दे कैन जॉइन अस बाय द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। एक और चीज़ कि हम धीरे धीरे हर चीज़ जो है अपनी ट्रांजिशन पूरा टेम्प्स पोर्टल पे कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट्स आपको मिलते थे, जो बुक्स मिलती हैं, सब आपको टेम्प्स पोर्टल पे जाके मिल जाएंगी। इसमें दोनों फ्री इनिशिएटिव्स भी रहेंगे, पेड इनिशिएटिव्स भी रहेंगे। तो आपको जैसा आपकी सहूलत के हिसाब से आपको यूज़ करना है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एक बार जाके देख लीजिएगा पोर्टल को, और ज़्यादा उसको वो किया जा रहा है, और ज़्यादा उसको सोफिस्टिकेटेड एंड उसको और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आपके सजेशन भी वेलकम है। अगर आपको कोई सजेशन आपको लगता है कि आप दे सकते हैं उसके वेलफेयर के लिए और उसके वेलबींग के लिए, तो प्लीज़ डू गिव अस योर सजेशंस एज वेल। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक भी अवेलेबल है। तो अगर आपको हमारा कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है तो आप वहाँ पे हमको ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट आज के क्वेश्चंस देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा न्यूज़पेपर है आज का। वैसे भी जो ट्यूज़डे का न्यूज़पेपर रहता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता ही है, तो आज के न्यूज़पेपर में भी काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स एंड न्यूज़ एनालिसिस पार्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो प्लीज़ डू गिव योर प्रॉपर अटेंशन टू द थिंग्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करंट्स आर द कोल्ड करंट्स। इनमें से कौन कौन से करंट्स कोल्ड करंट्स हैं। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी कई बार पूछता है कि इनमें से कौन सा कोल्ड करंट है, कौन से वार्म करंट है, तो पूछ सकता है। फर्स्ट इज हम्बोल्ट करंट, सेकंड इज कैलिफोर्निया करंट, थर्ड इज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, फोर्थ इज वेनेजुएला करंट। तो इन चारों में से कौन कौन से करंट कोल्ड करंट्स हैं, 1 एंड 2, 1, 2 एंड 4, 2 एंड 3 या 2, 3 एंड 4। एक एक करके देख लेते हैं। तो हम्बोल्ट करंट बिल्कुल ये आपका कोल्ड करंट है, कैलिफोर्निया करंट भी कोल्ड करंट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कोल्ड करंट नहीं है, ये एक वार्म करंट है। जब ये ऊपर जाता है ना, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ऊपर जाता है, सरागासो सी जो है बीच में सरागासो भी बनता है आपका, और ऊपर से लैब्राडोर आता है, ये दोनों मीट करते हैं, तो वो वाला रीजन है। वेनेजुएला करंट आपका कोल्ड करंट है। तो 1, 2 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो 1, 2 एंड 4 इसमें करेक्ट आंसर होगा, सो बी विल बी द आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग रीजन्स विद द सॉइल क्वालिटी इन देम करेक्टली। अगर एक रीजन दिया हुआ है यहाँ पे और दूसरी तरफ सॉइल की क्वालिटी दी है, तो आपको बताना है कौन सा सही मैच है। ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, पुअर न्यूट्रिएंट एसिडिक सॉइल। ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट रिच इन न्यूट्रिएंट्स, बोरियल फॉरेस्ट एसिडिक एंड पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो दीज आर द 3 ऑप्शंस फॉर यू। प्लीज लेट्स सी द क्या क्या ऑप्शंस है। 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या 1, 2 एंड 3 में कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। तो इनमें से करेक्टली तीनों ही मैच हैं, क्योंकि अगर आप ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल की सॉइल देखें तो वो पुअर न्यूट्रिएंट एसिडिक सॉइल होती है, डेसीडियस रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है, एंड बोरियल जो फॉरेस्ट होते हैं वो आपके एसिडिक एंड पुअर इन न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है ना। तो ये भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वर एनेक्स्ड यूजिंग द पॉलिसी ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ओके, तो इनमें से कौन से स्टेट थे जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के थ्रू एनेक्स किए गए थे। फर्स्ट इज नागपुर, सेकंड इज मैसूर, थर्ड इज संभलपुर, फोर्थ इज सतारा। करेक्ट कोड क्या है, 2 एंड 3, 1, 3 एंड 4, 1, 4 गया 1, 2, 3, 4। एक एक करके देखते हैं। तो नागपुर बिल्कुल हुआ था, मैसूर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से नहीं हुआ था, ये आपको याद रखना। तो सेकेंड वाला नहीं है। मैसूर सब्सिडियरी अलायंस भी साइन किया था बाद में, मैसूर ने पहले ही साइन कर दिया था सब्सिडियरी अलायंस, इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से नहीं था वो। नागपुर जरूर था, संबलपुर था, सतारा था आपका। तो 1, 3 एंड 4 इसमें करेक्ट आंसर होगा, 1, 3, 4 मतलब बी आंसर इसका करेक्ट होगा। सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दीज 3 क्वेश्चंस एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दम। लेट्स गो टू द मैप ऑफ द डे। तो मैप ऑफ द डे मैंने वहीं से लिया है जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा करंट कोल्ड करंट है, कौन सा करंट वार्म करंट है। तो लेट मी शो यू द मैप ऑफ दीज करंट्स। इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट है, अपन देखो करंट्स तो बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन अपन क्या करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है, देख ही लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए नदर्न हेमिस्फीयर वाले रीजन के वार्म करंट्स, ये जो रेड में है ये वार्म करंट्स हैं, जो ये आपका ब्लू में है ये आपके कोल्ड करंट्स है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वार्म करंट्स देख लेते हैं। तो ये आपको पहले दिख रहा होगा, ये जैसे ही क्या होता है यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, तो ये गल्फ स्ट्रीम में जाता है। ओके, गल्फ स्ट्रीम जाता है, यहीं पे आपका गल्फ स्ट्रीम जाता है, फिर यहाँ पे आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये मैंने आप जो क्वेश्चन पूछा था आज, तो ये वाला क्वेश्चन ये यही पूरा यहाँ से जाके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनता है, ठीक है ना। तो गल्फ स्ट्रीम रहता है, गल्फ स्ट्रीम से फिर ऊपर ऊपर जाके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाता है ऊपर। फिर आपका यहाँ पे कुरोशिवो करंट दिख रहा होगा, ये जापान वाले रीजन के आसपास से निकलता है, कुरोशिवो करंट। ओके, किसको कुरोशिवो भी बोलते हैं, कुरोशिवो करंट भी कहा जाता है। फिर यहाँ नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट दिख रहा होगा, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। ओके, तो ये नदर हेमिस्फीयर के वार्म करंट्स हैं। एक तो गल्फ स्ट्रीम इंपॉर्टेंट हो गया, देन नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इंपॉर्टेंट हो गया, देन यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट हो गया, क्रोशियो करंट हो गया, याद रखिएगा।
वही हम सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आते हैं, तो एक तो आपका जैसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ना, या इधर साइड नॉर्थ इक्वेटोरियल, वैसे यहाँ पे साउथ इक्वेटोरियल की तरफ आता है। तो यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे ब्राज़ीलियन करंट आपको दिख रहा होगा, ब्राज़ीलियन करंट आपका एक वार्म करंट है। देन मोजाम्बिक करंट है, मोजाम्बिक करंट आपका वार्म करंट है। यहाँ मोजाम्बिक के जस्ट बगल में करंट लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे अगुलास करंट होता है, अगुलास करंट होता है, वो भी एक वार्म करंट है, ठीक है। तो मोजाम्बिक करंट, अगुलास करंट, ब्राज़ीलियन करंट, ये आपके वार्म करंट हो गया। देन ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है वो भी वार्म करंट है। नॉर्थ में कौन कौन सा था? नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो करंट। नीचे हमने देखा ब्राज़ीलियन करंट, मोजाम्बिक करंट। मोजाम्बिक के बगल में जो करंट दिख नहीं रहा है वो यहाँ से ही निकलता है, अफ्रीका वाले रीजन से ही या बगल से ही निकलता है, इसको बोलते हैं अगुलास करंट, अगुलास करंट बोलते हैं। देन आपका ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट भी एक वार्म करंट है। कोल्ड करंट की बात करें तो कोल्ड करंट भी आपके इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर आप देखो, यहाँ पे आपको कैलिफोर्निया करंट दिख रहा होगा, ओके, कैलिफोर्निया करंट आपको दिख रहा है ना, ये आपका एक कोल्ड करंट है। देन लैब्राडोर करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लैब्राडोर करंट कनाडा वाले रीजन में बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लैब्राडोर करंट, तो वहाँ पे इसको याद रखिएगा। देन आपका इधर अफ्रीका वाले रीजन से इधर कैनरीज करंट निकलता है, तो कैनरीज करंट भी आपका एक कोल्ड करंट है। तो ये लैब्राडोर करंट हो गया, यहाँ कैलिफोर्निया करंट हो गया, ये आपका कैनरीज करंट हो गया, और ये यहाँ पे जैसे कुरोशियो है ना, वैसे ऊपर से इधर आता है एक ओयाशियो करंट होता आता है, ठीक है ना, ओयाशियो, या इसको कुरील करंट भी कहा जाता है। यहाँ पे कुरील लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ इसका एक, इसको ओयाशियो भी कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसे लिखा नहीं है, एक ओखोत्सक करंट भी होता है जो आपका अफ्रीका वाले रीजन में होता है ना, अफ्रीका वाले रीजन में, तो वो भी ओखोत्सक कहलाता है, तो वो भी आपका एक कोल्ड करंट है। कुरील करंट कौन सा है? कुरील करंट आपका यहाँ पे ओयाशियो कहलाता है। वार्म करंट में आपको मैंने बता दिया, वार्म करंट में आपका कुरोशियो था और ओयाशियो आपका कोल्ड करंट में आ गया, लैब्राडोर आ गया। देन आपका इधर मैंने बताया आपको कैलिफोर्निया करंट एंड कैनरीज करंट बताया, ये भी आपका कोल्ड करंट है, ठीक है। नीचे साउथ सदर्न हेमिस्फीयर वाले रीजन में जो कोल्ड करंट है, वो आज मैंने जो क्वेश्चन पूछा था हम्बोल्ट आपसे बोला था, हम्बोल्ट करंट, तो हम्बोल्ट को ही पेरूवियन करंट भी कहा जाता है। हम्बोल्ट को ही, ये पेरू वाले रीजन, यहाँ पे पेरू है ना, ये वाला रीजन पेरू का है, तो यहाँ से यह निकलता है करंट, इसको पेरूवियन करंट या हम्बोल्ट करंट कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे ये दिख रहा होगा करंट, ये बेनिगुएला करंट कहलाता है, बेनिगुएला करंट कहलाता है, ये भी आपका कोल्ड करंट है, ठीक है। बेनिगुएला करंट भी आपका कोल्ड करंट है। और जैसे यहाँ पे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट था वार्म करंट, वैसे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन जो करंट है वो आपका कोल्ड करंट है, ठीक है ना। तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है वो कोल्ड करंट है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है आपका वो वार्म करंट है, और बेनिगुएला करंट आपका कोल्ड करंट है, अगुलास मैंने बताया आपका वार्म करंट है, हम्बोल्ट या पेरूवियन करंट जो आपका वो कोल्ड करंट है, ठीक है ना। हम्बोल्ट पेरूवियन, पेरूवियन आपका कोल्ड करंट है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैप है, इसको याद रखिएगा। ये करंट वरेंट से कब क्वेश्चन देखो, मेंस में तो एक क्वेश्चन आता ही आता है ओशन करंट्स के ऊपर, हर साल ऐसे देखा गया है कि ओशन करंट के ऊपर मेंस में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जीएस वन वाले टॉपिक में ओशन करंट में क्वेश्चन आता ही आता है कि क्या रीजंस है, सैलिनिटी का क्या इंपैक्ट है, कैसे कैसे चेंज होता है, ये पूछता रहता है कि उसके क्या इंपैक्ट है, करंट्स का क्या इंपैक्ट पड़ता है ना। तो ये आप सब ये याद रखिएगा, और कोल्ड करंट वार्म करंट के नाम, इसके प्रॉपर डिवीजन्स, ये आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। काफ़ी मैं अपनी तरफ से मैंने अपनी कोशिश की है, जो भी अगर कुछ करंट बच गए इंपॉर्टेंट तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि और क्या करंट इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट भी है जिसमें लिखा नहीं है मैप में, यहाँ पे ग्रीनलैंड वाले आइलैंड के यहाँ से आता है, ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट कहलाता है, तो वो भी एक करंट है इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से सारे करंट्स याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस टॉपिक। अब आते हैं हम न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में अगर आप एक न्यूज़ देखोगे तो यहाँ पे है 3 CRPF जवान किल्ड इन मिलिटेंट अटैक, ओके, तो 3 CRPF जवान किल्ड इन मिलिटेंट अटैक, ये न्यूज़ है। अब बेसिकली हमने इसको लिख दिया है 3 CRPF जवान मार्टियर्ड इन मिलिटेंट अटैक। अब देखो ऑब्वियस है, गवर्नमेंट क्या है, क्लासीफाई नहीं करता है पैरामिलिट्री फोर्सेज को, ये मार्टियर टाइटल दिया नहीं जाता है, बट फॉर अस दे विल ऑलवेज रिमेन अ मार्टियर, वो हमारे लिए हमेशा एक शहीद ही कहलाएंगे, चाहे उनको पॉलिटिकल उसमें क्लासिफिकेशन में कुछ भी कहा जाता हो, बट दे आर द रियल मार्टियर्स एंड दे आर द रियल हीरोज ऑफ दिस कंट्री। CRPF के बारे में आपको बेसिकली थोड़ा इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ। द CRPF या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक CAPF है। CAPF मतलब कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर 4-5 अलग अलग फोर्सेज आती हैं, है ना। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज CAPF के अंदर आपका
क्या क्या आता है, CRPF आ गया, SSB आ गया सशस्त्र सीमा बल, BSF आ गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF आ गया सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज आ गया, देन ITBP आ गया इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ओके, तो ये पांच बेसिकली जो है आपके वो आपका CAPF कहलाता है। इसके अलावा जो असम राइफल्स है उसको पैरामिलिट्री बोलते हैं। असम राइफल्स को पैरामिलिट्री क्यों बोलते हैं, देखो असम राइफल्स दो मिनिस्ट्रीज के कंट्रोल में आता है, आपका होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में भी रहता है और डिफेंस मिनिस्ट्री के कंट्रोल के अंदर भी रहता है, ठीक है ना। तो असम राइफल्स आपका पैरामिलिट्री हो गया, और आपका जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में बेसिकली पांच ही उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर, जिसमें से कि CISF, CRPF, SSB और ITBP और आपका BSF, ये पांच ब्रॉड क्लासिफिकेशन में आते हैं। ये पांचों जो है ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, ये पांचों के पांचों जो CAPF है ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। असम राइफल्स एक ऐसा है जो कि होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री दोनों के अंदर आता है, ठीक है ना, तो उसको याद रखिएगा। ऐसे ही इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज वो आपका डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विस आपका डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और बाकी आर्म फोर्सेस तीन हो जाती हैं अपनी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है ना। तो इस तरह का प्रॉपर डिवीजन आपको पता होना चाहिए। देन CRPF की बात करेंगे तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है वो पहले जो था उसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। ओके, उसको क्या बोलते थे, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। ओके, और ये बना था 27 जुलाई 1939 को, उस समय क्राउन के अंदर अधीन आते थे हम लोग, हमारे इंडिया जो था वो हिजाइनस या आपको कहना चाहिए हिज मेजेस्टी, उनके अंदर आता था, क्राउन के अंदर आता था, इस कारण से इसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस कहा जाता था। इट बिकेम द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बाय द इनएक्टमेंट ऑफ CRPF एक्ट ऑन 28 दिसंबर 1949। तो ये बना CRPF आपका एक एक्ट के थ्रू, CRPF एक्ट आया 28 दिसंबर 1949 को, तब ये जाके इसको ये बनाया गया। देन CAPF जो आता है ये बेसिकली MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, तो ये भी याद रखिएगा। अब इसके क्या क्या काम है बेसिकली, इसका काम बेसिकली CRPF का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखना, इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, कंट्री की नेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना, सोशल हार्मनी को प्रमोट करना, एंड इसके अलावा जैसे ब्रॉड ड्यूटीज़ जो हैं वो क्राउड कंट्रोल की हो गई, रायट कंट्रोल की होगी, लोकल पुलिस को अगर हेल्प करना है तो ये सारे काम CRPF ही करता है, ठीक है ना। और दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन UN पीस कीपिंग मिशंस एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी उसके अंतर्गत वो जाते हैं, UN पीस कीपिंग मिशंस में भी जाते हैं। ओके, नेशनल कैलमिटी डिजास्टर्स के टाइम पे ये रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस का काम भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये CRPF के बेसिकली कुछ ब्रॉड काम हो गए, और ये CRPF के बारे में उसकी ब्रॉड एक हिस्ट्री हो गई जो कि बताना जरूरी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे एक न्यूज लिखी हुई है बेसिकली, उस न्यूज के अंतर्गत स्टेट्स विद हाई स्वाइन फ्लू रेट रिकॉर्ड मोस्ट COVID-19 केसेस। अब ऐसा कहा जा रहा है कि एक वायरल कनेक्शन है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, ये वो स्टेट्स हैं जहां पे लगभग कोरोना के 68% केसेस इंडिया के हैं। ओके, और यही वो जगहें थी जहां पे 63% जो स्वाइन फ्लू के केसेस थे वो भी इन्हीं स्टेट्स में थे। ओके, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो स्टेट्स हैं जहां पे स्वाइन फ्लू का रेट ज्यादा था वहीं पे COVID-19 कोरोना के केसेस भी सबसे ज़्यादा हैं। अब आपको थोड़ा मैं इसमें स्वाइन फ्लू के बारे में बताता हूँ। स्वाइन फ्लू इट रिफर्स टू इन्फ्लुएंजा इन पिग्स। ओके, बेसिक अगर लिटरल टर्म्स में आप जाओगे तो इट रिफर्स टू इन्फ्लुएंजा इन पिग्स। अब क्या होता है, ऑकेजनली द पिग्स ट्रांसमिट इन्फ्लुएंजा वायरसेस टू पीपल एज वेल। जो हॉग फार्मर्स होते हैं, जो कि इसकी पिक की फार्मिंग करते हैं, वेटरिनियंस होते हैं, वहाँ से ये आ सकता है, एक इन्फेक्टेड पिक के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है, इसलिए इनको जूनॉटिक डिसीज़, मैंने कहा ना जूनॉटिक डिसीज़ वो जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट होते हैं, तो जूनॉटिक डिसीज भी कहलाती हैं। तो ये भी चीज़ें कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। बेसिकली 2009 के आसपास इस ये काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट था, 2009 के आसपास, उस समय इसके जो इसका जो वायरस उसको H1N1 कहा जाता है। UPSC हैज ऑलरेडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, H1N1 इनमें से कौन से डिजीज से रिलेटेड है, स्वाइन फ्लू का आंसर था। तो ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, तो ये याद रखिएगा। आप 2-3 साल पहले ही आया था, बहुत पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, 2-3 साल पहले के प्रीलिम्स में आया था, चेक कर लेना एक बार। तो H1N1 पूछा गया था, तो इसको याद रखिएगा कि इसका जो वायरस है वो H1N1 कहलाता है। ड्यूरिंग द 2009 and 10 फ्लू सीजन H1N1 कॉज्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन ह्यूमंस। तो बेसिकली 2009-10 के आसपास जब ये फैलना शुरू हुआ तो ह्यूमन बींग्स को रेस्पिरेटरी स्टार्ट हो गई, एंड इतना ज्यादा फैल गया था कि WHO उस समय इसको ग्लोबल पैंडेमिक घोषित किया था। ओके, तो WHO हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दिस H1N1 स्वाइन फ्लू एज अ ग्लोबल पैंडेमिक। ओके, तो ये भी याद रखना, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट विच इज रेलिवेंट, एंड इसको याद रखिएगा, ठीक है ना।
जो H1N1 वायरस है उसको वी स्टैंड फॉर वेरिएंट कहा जाता है. ओके, H1N1 वायरस में जो वी है उसको वी स्टैंड फॉर वेरिएंट एंड इंडिकेट्स दैट वायरस नॉर्मली सर्कुलेट्स इन एनिमल्स बट हैज़ बीन डिटेक्टेड इन ह्यूमंस एज वेल. तो क्या होता है, कभी कभी ये इवॉल्व हो जाते हैं वायरसेस, पहले अगर एनिमल्स में है तो हो सकता है इवॉल्व करके एक म्यूटेंट स्टेज में जा करके ये ह्यूमन बींग्स को भी इम्पैक्ट करना शुरू कर दे. वही हुआ था H1N1 के साथ, पहले वो एनिमल्स में था, एनिमल्स से फिर वो ट्रांसमिट होना शुरू हुआ, ह्यूमन बींग्स में आया, फिर वो एक ग्लोबल पैंडेमिक बन गया. तो ये रिलेशन बेसिकली आपको याद बताना था कि जो स्टेट्स स्वाइन फ्लू जहां केसेस ज्यादा थे वहीं पे आपको COVID-19 के केसेस भी ज्यादा देखने को मिलेंगे. सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं. तो यहाँ पे एक न्यूज़ है झारखंड स्टेट से, झारखंड लॉन्चेस स्कीम्स फॉर जॉब क्रिएशन. तो झारखंड स्टेट जो है उसने 3 स्कीम लॉन्च की हैं और ये स्कीम है फॉर द जॉब क्रिएशन. अलग अलग 3 स्कीम्स लॉन्च किए, तो एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा. पहले झारखंड का अगर हम स्टेट देखें, झारखंड के स्टेट का स्टेट देखें मतलब, अगर तो स्टेट इज रीलिंग अंडर सीवियर जॉबलेसनेस. बहुत ज़्यादा जॉबलेसनेस है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 47.1% का है. देखो बेसिकली ये जो बताया जाता है स्टेट्स के बारे में, अब आपको अगर लगता हो कि ये स्टेट्स रेलिवेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, तो क्या होता है कई बार पूछ लेता है डायरेक्टली. जैसे कालिया स्कीम है, कितनी फेमस स्कीम है कि डायरेक्टली पूछ सकता है कि कौन से स्टेट की है, ठीक है ना. तो उड़ीसा गवर्नमेंट की हो गई, ठीक है ना. उसी समय रायथू बंधु योजना जैसे बीच में आई थी, तो रायथू बंधु कौन से की है, तो ये तेलंगाना की है. तो इस तरीके की जो बहुत फेमस स्कीम्स है वो पूछ भी लेता है डायरेक्टली. दूसरा ये इसका इंपॉर्टेंट रहता है कि आप जब आंसर राइटिंग मेंस में करते हो तो मेंस आंसर राइटिंग इज लिटरली वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. वहां पे आपको केस स्टडीज भी देनी पड़ती हैं, अलग अलग स्टेट्स का एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा. तो ये जो है करंट रेलिवेंट मटेरियल से आप लिंक करने के लिए आपको ये बेसिकली बताया जाता है कि आप उसको लिंक कर सको. आप इन सब चीज़ों को कोट करके उसको एक ओवरऑल एग्जाम्पल बना सकते हो कि नेशनल लेवल पे भी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो अगर किसी स्टेट की आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है ना. इनफैक्ट कालिया स्कीम के तो काफ़ी फीचर्स जो थे वो फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और इधर जो कृषि ये के लिए अलग अलग जो स्कीम्स थी उनमें काफ़ी ज़्यादा उसके पॉइंट्स लिए गए हैं कालिया स्कीम के, ठीक है ना. तो इस तरह से आप उसको केस स्टडी के रूप में दे सकते हैं. अब जो स्टेट है झारखंड का, वहाँ पे जॉबलेसनेस 47.1% थी, जो कि डबल है हमारे नेशनल एवरेज का. जो नेशनल एवरेज है वो 23.5% का है जॉबलेसनेस का, उसका डबल के आसपास, डबल से भी ज़्यादा है आपका अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे झारखंड में. ओके, अब यहाँ पे इन सब चीज़ों को देखते हुए 3 अलग अलग स्कीम्स बनाई गई. 3 अलग अलग स्कीम्स कौन कौन सी स्कीम है, एक है बिरसा हरित ग्राम योजना. ओके, तो बिरसा हरित ग्राम योजना पहली स्कीम है. दूसरी है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना. कौन सी है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना. और तीसरा है आपका वीर शहीद पोतो हो खेल विकास स्कीम. ओके, वीर शहीद पोतो हो खेल विकास स्कीम. तो ये 3 स्कीम है, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना एंड वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिरसा हरित ग्राम योजना की, विच इज़ एनविसाज्ड एट ब्रिंगिंग ओवर 2 लाख एकर्स ऑफ अनयूज्ड गवर्नमेंट फैलो लैंड अंडर द ए फॉरेस्टेशन प्रोग्राम. तो गवर्नमेंट का लगभग 2 लाख से ज़्यादा अनयूज्ड गवर्नमेंट फैलो लैंड है जो कि ए फॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंदर लाने की कोशिश की जाएगी. तो अबाउट 5 लाख फैमिलीज विल बी प्रोवाइडेड 100 फ्रूट बियरिंग प्लांट्स. तो 100 फ्रूट बियरिंग प्लांट्स जो है वो लगभग 100 आपके 5 लाख फैमिलीज़ को प्रोवाइड की जाएंगी. काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है बिरसा हरित ग्राम योजना. दूसरा आपका नीलांबर पीतांबर जो स्कीम स्कीम थी वो है गवर्नमेंट की फॉर क्रिएटिंग एग्रो वाटर स्टोरेज यूनिट्स. एग्रो वाटर स्टोरेज यूनिट्स बनाने का प्रोग्राम है बेसिकली. इसमें होता क्या है कि रेन वाटर को अरेस्ट करके, रेन वाटर को यूज़ करके आपका और जो रन अवे ग्राउंड वाटर है, तो रेन वाटर प्लस रन अवे ग्राउंड वाटर. तो रेन वाटर मतलब जो बारिश का पानी आया और रन अवे ग्राउंड वाटर मतलब कि जो ग्राउंड में फ्लो के साथ बह रहा है उस वाटर को अरेस्ट करके पकड़ करके यूज करना है आपको एज क्रिएटिंग एग्रो वाटर स्टोरेज यूनिट. तो एग्रो वाटर स्टोरेज यूनिट आप बनाएंगे नीलांबर पीतांबर ये स्कीम के अंदर, ठीक है ना. तो ये भी याद रखिएगा, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना. देन आपका तीसरा जो स्कीम है वीर शहीद पोतो हो खेल विकास स्कीम. तो इसमें 5000 स्पोर्ट ग्राउंड बनाने की स्कीम है ये. 5000 स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने की स्कीम है और यहाँ पे 5000 स्पोर्ट्स ग्राउंड इस स्टेट में डेवलप किए जाएंगे ताकि और ज़्यादा लोगों को प्रमोशन मिल सके, स्पोर्ट्स का प्रमोशन हो सके. तो ये 3 स्कीमें काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम लग रही थी इसलिए इनको बताना ज़रूरी था. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. इनको दिमाग में बैठा के रखना, अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आप इसको सही मार्क कर दें. ताकि आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है. अब हम आएंगे बेसिकली
एडिटोरियल सेक्शन में, एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। सबसे पहले जो एडिटोरियल है, लीड एडिटोरियल है, जगदीप एस छोकर द्वारा लिखा गया है। इस टाइटल है MPLATS, इट्स सस्पेंशन एंड वाई इट मस्ट गो। अब ये आर्टिकल है बेसिकली, ऑथर ने टाइटल से क्लियर किया कि MPLATS और उसका सस्पेंशन हुआ है। अभी जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो डेवलपमेंट स्कीम थी उसको, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, उसको अभी सस्पेंड किया गया है 2 सालों के लिए, ठीक है ना। 2 सालों तक उसका फंड जो है वो यूज़ किया जाएगा फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द COVID-19। ओके, तो ये बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि आप जो 2 साल तक के लिए इसका फंड मिलता था, लगभग 5 करोड़ फंड दिया जाता है इसमें, ठीक है ना। MPs को 5 करोड़ फंड का वो धनराशि रहती है कि आप इतने काम, इतने का डेवलपमेंटल वर्क जो है वो कर सकते हो। तो ये जो स्कीम है इसको 2 साल के लिए सस्पेंड ये बोल के किया गया कि आप जो इसका फंड रहता था उसका यूज़ किस में करोगे, उसका यूज़ आप फॉर द डेवलपमेंट पर्पज के लिए करोगे। ओके, तो वही वाली बात है कि MPLATS का जो बेसिकली आपका फंड था उसका यूज़ करना है COVID-19 के रिस्पांस पे, ठीक है ना, कि दूसरे इस स्कीम में। अब ऑथर का ये कहना है कि इसको ठीक है सस्पेंड तो किया, लेकिन इस स्कीम को आपको ओवरऑल बंद ही कर देना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है, ठीक है ना। तो उसने कुछ पॉइंट दिए हैं इस स्कीम के तहत कि क्या क्या इस स्कीम में गड़बड़ियाँ हैं, क्या इसके निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं और क्यों इस स्कीम को बंद कर देना चाहिए, वो हम एक एक करके इस आर्टिकल का देख लेते हैं। तो एज़ पर ऑथर, सबसे पहला जो पॉइंट है जो कि वॉयलेट होता है इस स्कीम के थ्रू, वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। आप सेपरेशन ऑफ पावर को जो है वो वॉयलेट कर रहे हो। क्या होता है कि इसमें एक तो टीयर वन होता है, आपको पता है कि गवर्नमेंट के अलग अलग टीयर हैं। टीयर वन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, टीयर टू आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गया, देन आपका लोकल एरिया का जो थर्ड टीयर कहलाता है। अब ऑथर ने कहा कि आपने ये बोल दिया, एक स्कीम ऐसी है जिसमें आपको MPs डिसाइड करना है कि लोकल एरिया में क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है, और दूसरा चीज़ आपने ये बोला कि इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ करती हैं। अब क्या कोई डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में ऐसा बंदा होगा या कोई ऐसा ऑफिसर हो सकता है क्या कि जो MP के कहे को मना कर दे? अगर वो चीज़ उस लोकल एरिया के लिए बेनिफिशियल नहीं भी है तो भी वो उसको मना नहीं कर सकता। तो जो प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए वो इसमें मिसिंग होता है, और लोकल अथॉरिटीज़ को मन महसूस करके कई बार वो काम करना पड़ता है जो MPs द्वारा डायरेक्टेड होता है। तो ऑथर का कहना यह है कि सेपरेशन ऑफ पावर को ये वॉयलेट करता है। दूसरा ये है ऑब्जर्वेशन मेड बाय द कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग जो इंडिया के हैं उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए, जैसे कि ये ऑब्जर्व किया गया कि जो इस पर फंड होता है वो अनयूटिलाइज्ड रह जाता है, मतलब जितना इसमें फंड आता है उसका यूटिलाइजेशन 49% से 90% के बीच में ही रह जाता है, मतलब पूरा फंड आप यूटिलाइज नहीं करते हो। दूसरी चीज़, आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, नॉन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड जिसको कहा जाता है, कि कैग ने कहा था कि रिकॉर्ड मेंटेन करके नहीं रखे जाते, देर इज़ नॉन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स इन दिस। तो ये दूसरा जो प्रॉब्लम है इस स्कीम के साथ, ये ऑथर ने बताया। तीसरा जो प्रॉब्लम ऑथर ने बताया है MPLATS स्कीम का, वही यूटिलाइजेशन वाला पॉइंट को और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक रिपोर्ट और कही। तो कैग के अलावा एक इंडिया स्पेंड करके एक रिपोर्ट आती है, इंडिया स्पेंड, उस रिपोर्ट में भी ये बताया गया, दो कुछ पॉइंट्स थे कि 298 आउट ऑफ 542 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 298 आउट ऑफ 542 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दे हैव नॉट स्पेंट इवन अ सिंगल रुपी फ्रॉम द रुपीज 5 करोड़ दैट इज सेट असाइड फॉर देम। ओके, तो उस 5 करोड़ का 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। तो 298 MP तो अभी ऐसे हैं, 16th जो लोकसभा आई है उसमें। इसके अलावा 508 MPs ऐसे हैं हु डिड नॉट और कुड नॉट यूटिलाइज द इंटायर अमाउंट। तो 93% ऐसे MPs हैं जो कि पूरा अमाउंट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो दीज आर सम फ्यू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस MPLATS स्कीम। चौथा जो पॉइंट है ऑथर ने दिया है कि इट हैज़ इन ऑफन हर्ड दैट द कॉन्ट्रैक्टर इज अ रिलेटिव और अ क्लोज फ्रेंड और अ कॉन्फिडेंट ऑफ द MP। कई बार ये देखा गया, जैसे आपने नेपोटिज्म का केस पढ़ा होगा, नेपोटिज्म यही केस होता है ना, अपने नियर एंड डियर वंस को आप अच्छी पोस्ट में अपने बाय यूज और मिस यूज ऑफ योर पोस्ट आप उनको अच्छी पोस्ट ग्रांट करवा देते हो। सेम गोज विद दिस स्कीम एज वेल, कि कई बार ऐसा सुनने में आता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जिनको काम दिया जाता है दे आर ऑफन क्लोज फ्रेंड और कॉन्फिडेंट और योर रिलेटिव ऑफ द MP एंड द कॉन्ट्रैक्टर एंड द MP बींग फाइनेंशियली लिंक्ड विद ईच अदर। तो कई बार ये करप्शन का केसेस रहता है जिसमें कि MP और जो आपका कॉन्ट्रैक्टर दे आर फाइनेंशियली लिंक्ड विद ईच अदर, देयर फोर इट वुड बी, मतलब वही है कि ऑथर ने इन सारे पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए बोला है कि इट वुड बी बेटर इफ़ यू कन्वर्ट द 2 ईयर सस्पेंशन इनटू द कंप्लीट एबोलिशन ऑफ दिस स्कीम। ओके, तो ऑथर ने कहा है कि 2 ईयर का सस्पेंशन नहीं, कंप्लीट एबोलिशन कर दो इस स्कीम का, तो ही आपके लिए बेटर होगा। सो दिस वॉज आर्टिकल 1 विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड आपको
सारे जो पॉइंट थे वो समझ में आ गए होंगे। अगला जो आर्टिकल है, अगेन इट्स अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल, अ ग्रेन स्टॉकिस्ट विद अ रोल स्टिल रेलिवेंट। ये आर्टिकल FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर लिखा गया है, सुधा नारायणन ने आर्टिकल लिखा है और काफ़ी अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया कि FCI की प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस क्या है, क्या करने से FCI की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे करके, तो दिस इज आर्टिकल 2 ग्रेन स्टॉकिस्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ऑथर ने क्या कहा है, सेंट्रल थीम वही है कि FCI बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि हंगर को, स्टारवेशन को दूर करने के काम आ सकती है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री अगर हम देखें FCI की, तो ये है कि इट वॉज सेटअप बाय द फूड कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1964। तो इसको बनाया गया था फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के तहत, ओके। अब जब 1964 में यह बना था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसी समय अगर आपको याद हो 65-66 का टाइम था जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में शुरू हुआ था ना, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड था, तो काफ़ी बड़ा फोर फ्रंट प्रोक्योरमेंट और स्टॉक करने का काम इसने किया था बेसिकली FCI ने, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। आपके फूड जो प्रोडक्शन हुआ था, जो बम्पर फूड हार्वेस्ट आई थी, उसको स्टोर करने का, प्रोक्योरमेंट करने का काम FCI करता है। अब ऑथर ने अभी रिसेंटली था कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम FCI झेल रहा था वो था स्टोरेज प्रॉब्लम, सीरियस स्टोरेज प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक तो स्टोरेज बहुत बिल्कुल फिल हो चुके थे क्योंकि बम्पर हार्वेस्ट आई थी वीट की, दूसरा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हम स्टोरेज में इतना ज़्यादा रहता है कि जो फूड ग्रेन ये रहता है वो क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो फूड वेस्टेज एंड फूड स्टोरेज दोनों एक प्रॉब्लम है जो कि FCI जिनसे जूझता है, ठीक है ना। इन द लॉकडाउन दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व, ऑथर का कहना है कि लॉकडाउन के टाइम पे ये प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व होती नज़र आ रही थी, क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्शन जो मतलब जो लोगों को मिल रहा था, अंत्योदय वाले जो लोग थे जिनको इस स्कीम से बेनिफिट की तरह NFSA के तहत फूड सिक्योरिटी के तहत जो मिलता था वो बढ़ा दिया गया था, राशन शॉप्स को बढ़ा दिया गया था, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो कि FCI ने ऑलरेडी 3 मिलियन टन जो पोस्ट लॉकडाउन ये स्टेट्स को दे दिया है, ओके। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि FCI ने बेसिकली स्टेट्स और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को भी डायरेक्टली FCI डिपो से पूरा जो फूड ग्रेन है उसको खरीदने की परमिशन दे दी है। वैसे होता क्या है, वैसे ओपन मार्केट सेल स्कीम एक स्कीम है, OMSS बोलते हैं, ओपन मार्केट सेल स्कीम। तो ओपन मार्केट सेल स्कीम का मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू सेलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एजेंसीज। तो गवर्नमेंट एजेंसीज क्या करती हैं, ओपन मार्केट गवर्नमेंट एजेंसीज को क्या करता है FCI, ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू फूड ग्रेन सेल करता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट एजेंसीज करती हैं प्री डिटरमाइंड प्राइजेस पे, प्री डिटरमाइंड प्राइजेस इन द ओपन मार्केट, ओपन मार्केट में सेल करती हैं। ओपन मार्केट में FCI आपका क्या करता है, इन फूड ग्रेन्स को सेल करता है एट द प्री डिटरमाइंड प्राइजेस इन द ओपन मार्केट, ठीक है ना। क्या करने के लिए, टू इनहेंस द सप्लाई ऑफ ग्रेन्स स्पेशली ड्यूरिंग द लीन सीजन। जब लीन सीजन आता है तो ग्रेन्स की सप्लाई को मार्केट में बनाने के लिए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज क्या करती हैं, प्री डिटरमाइंड प्राइजेस पे ओपन मार्केट में जा करके इस फूड ग्रेन्स को बेचती हैं। ये ओपन मार्केट सेल स्कीम कहलाती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि ओपन मार्केट सेल स्कीम में बेसिकली आपका ऑक्शनिंग होती है, ऑक्शनिंग के थ्रू होता है, ठीक है। तो ओपन मार्केट सेल स्कीम समझ में आ गया ना, ऑक्शनिंग के थ्रू होगा। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो ओपन मार्केट सेल स्कीम फिर से बताता हूँ, ओपन मार्केट सेल स्कीम रिफर्स टू सेलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, सेलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स बाय गवर्नमेंट गवर्नमेंट एजेंसीज एट प्री डिटरमाइंड प्राइजेस इन द ओपन मार्केट। जब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज प्री डिटरमाइंड प्राइजेस में सेल करते हैं आपका फूड ग्रेन्स लीन सीजन में, उसको आप क्या कहते हैं, ओपन मार्केट सेल स्कीम। इसमें ऑक्शनिंग की जाती है, ये याद रखिएगा, दिस इज डन थ्रू ऑक्शनिंग, ओके। अब क्या है, FCI में क्या किया जाए कि उस पैंडेमिक को मतलब जो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में काम करे। काफ़ी अच्छे पॉइंट ऑथर ने दिए हैं। तो पहली चीज़ तो ये कर सकते हैं कि जो रोड ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है उसको यूज़ करके के FCI चाहे तो काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल FCI जो पहले था, बेसिकली वो पहले रिकोगनाइज करते थे कि रोड मूवमेंट जो है काफ़ी सूटेड है फॉर द एमरजेंसीज एंड रिमोट एरिया, और अभी जो कंडीशन है बेसिकली वो यही है, एमरजेंसी सिचुएशन है, ओके। तो अभी क्या कर सकता है FCI की कंटेनराइज्ड मूवमेंट जो है उसको प्रेफरेंस दे सकता है, कंटेनराइज्ड मूवमेंट को, और उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, एफिशिएंट भी होती है। तो कंटेनराइज्ड मूवमेंट का यूज़ कर सकते हैं। देन अभी बेसिकली ये टाइम ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ तरीके से रोड्स का यूज़ करके या कुछ भी ऐसा कर करके आपको इमरजेंसी में रिमोट एरियाज़ में फूड ग्रेन्स को अवेलेबल कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो ऑथर ने कहा कि पहला तो आप ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करो, बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, इनोवेटिव ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ और इन मैकेनिज़म्स का यूज़ करके आप फूड ग्रेन्स को रिमोट एरियाज़ में पहुँचाओ। सेकेंड बहुत अच्छा पॉइंट है, प्री पोजिशनिंग।
प्री पोजिशनिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो FCI के का जो फूड बेसिकली जो बास्केट है उसको ऐसी जगह पे पहले अवेलेबल कराओ जो कि हॉटस्पॉट्स हैं उनके नियर प्लेसेस में पहले आप करो। तो आप खुद को इस तरह से पोजिशन में रखो, आप इस तरह से खुद की पोजिशनिंग करो कि जो हॉटस्पॉट्स वाले रीजन है, जो ऐसे रीजन है जहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, वहाँ पे पहले आपका फूड ग्रेन पहुँचे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये प्री पोजिशनिंग, ये USA में भी किया गया है। ओके, प्री पोजिशनिंग मतलब ऐसी जगह पे स्टोर किया जा रहा है ग्रेन्स को जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, जहाँ पे हॉटस्पॉट है वहाँ पे पोजिशन किया जा रहा है। थर्ड, देर इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक बियॉन्ड द PDS एंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ऑथर ने कहा कि अभी ये समय नहीं कि आप प्रधानमंत्री PDS और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर का जितना आपने वादा किया वो देखने की जरूरत है। अभी तो आप एलोकेट करते जाओ, अपने एक्सपेंस पे करते जाओ और फिस्कल बर्डन जो है वो स्टेट्स पे ना पड़ने दो, क्योंकि बाकी स्टेट्स ऑलरेडी अपना फिस्कल डेफिसिट बचाने के लिए काम करेंगे। फिस्कल डेफिसिट हर स्टेट का ओवरशूट हो जाएगा अगर आपने उनके ऊपर बर्डन और डाला, तो ऑलरेडी ओवर बर्डन है वो, और अगर आपने और बर्डन डाला तो वो और ज्यादा ओवर बर्डन हो जाएंगे, है ना, और फिस्कल डेफिसिट को बहुत ज्यादा ओवरशूट कर देंगे। तो कंडीशन इकोनॉमिक बचाने के लिए आपको बर्डन अपने ऊपर उठाना पड़ेगा, ना कि स्टेट्स के ऊपर। दूसरा, आपको जो PDS और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उनमें जितना एलोकेशन है उसके थोड़ा बियॉन्ड भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रेड टेपिज्म या रूल अडेरेंस के चक्कर में आप ये बने रहो और लोगों को प्रोवाइड ना कराओ। फोर्थ जो पॉइंट है कि FCI's गाइडलाइन फॉलो फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ओके, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट प्रिंसिपल होता है इसमें। फोर्थ जो पॉइंट है वो एक बार और बता, तो फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट जो है उसका बेसिकली क्या है? मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, इट mandates that grains that has been procured earlier need to be distributed first to ensure that older stocks are liquidated. तो क्या होता है कि पहले जो आपके पास स्टोर में आया था उसको आप पहले खर्च करो, ये पॉलिसी यूज करता है FCI। मतलब जैसे क्या हुआ होगा कि मान लो 10 तारीख को 100 किलो इन्होंने स्टोर किया, फिर 12 तारीख को 10 किलो और स्टोर किया, 13 तारीख को फिर 100 किलो आया। तो अगर आपसे पूछेगा कि सबसे पहले कौन सा 100 किलो खर्च करेंगे, सबसे पहले कौन सा खर्च होगा, तो ये पहला जो 10 तारीख वाला 100 किलो था ये सबसे पहले खर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले आया था तो इसको पहले खर्च करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करना है। तो ऑथर का कहना है कि आपको ये वाली जो स्कीम है आपकी, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला पॉलिसी, इसको अभी आपको जस्ट बंद करना पड़ेगा, तभी आप ज़्यादा इफेक्टिवली लड़ सकते। आपको ये देखना है कि जहाँ पर आपकी कॉस्ट कम लगे, जहाँ पर आपको टाइम कम लगे, वहाँ पर आप पहले बेसिकली दो, ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी है, ना कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के चक्कर में फंसना है। फिफ्थ पॉइंट जो ऑथर ने बोला है वो ये है कि फार्मर जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, सप्लाई चेन जहाँ पे टूटी रहती है वहाँ पे फूड ग्रेन्स लोगों को मुहैया कराने का काम करता है। क्या होता है, कई जगहों पे सप्लाई चेन सही नहीं रहती, सप्लाई चेन मतलब कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाते हैं फूड ग्रेन्स। तो ऐसी जगहों पे FPOs यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती हैं। ऑथर का ये कहना है कि FPOs के साथ आपको मर्जअप करना चाहिए, टाइट मतलब उनके साथ एक टीम बनानी चाहिए, ताकि जो ये सप्लाई चेन टूट जाए, जहाँ पे जिन एरियाज में इस तरह सप्लाई चेन टूट जाए वहाँ पे आपका फूड ग्रेन्स लोगों के पास पहुँच जाए। इसके अलावा इनपुट जैसे कि फर्टिलाइजर्स और सीड्स, ये सब चीज़ें भी अवेलेबल हो जाएँ वाइड रेंज की जो रहती हैं, तो ये भी एक चीज़ आप कर सकते हैं, बेसिकली ऑथर ने यहाँ बोला है। अब दो मेजर इशूज़ ऑथर ने डिस्कस किए हैं। पहला, FCI के ऊपर माउंटिंग डेट, बहुत ज़्यादा डेट है जो FCI के ऊपर है, ये पहला मेजर इशू है जिसको सॉल्व करना है। दूसरा, ये कंसर्न है कि एक्सटेंडेड फूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडाइज ग्रेन, जो FCI के अंतर्गत जो फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज रेट पे होता है। अब अगर सब्सिडाइज रेट पे होगा, मतलब कि बहुत सस्ता लोगों को अगर मिलेगा, तो इससे जो मार्केट में प्राइस है फूड ग्रेन्स की बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब अगर फूड प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो ये इफेक्ट किसको करेगी, ये सबसे अधिक इफेक्ट करेगी फार्मर्स को ही इफेक्ट करेगी, ठीक है ना। तो ये दो मेजर इशूज थे जिनको हम डिस्कस कर लिया। शांता कुमार कमेटी एक कमेटी है जो कि बनी थी फॉर द आपको FCI और जो ये PDS सिस्टम, इसको अच्छा करने के लिए बनी थी, इसमें रिफॉर्म्स के लिए बनी थी। तो याद रखिएगा, शांता कुमार कमेटी ने एक रिकमेंडेशन किया था फॉर FCI टू चेंज इट इनटू एन एजेंसी फॉर इनोवेशंस इन फूड मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको ये कोशिश करना है कि एजेंसी ऑफ इनोवेशन इन फूड मैनेजमेंट सिस्टम में कन्वर्ट कर दो आप FCI को, ऐसा शांता कुमार कमेटी ने कहा है। तो दिस वॉज आर्टिकल 2, आई होप यू गॉट क्लैरिटी, काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा आपको। आर्टिकल 3 जो है वो है ऑफ कोर्स, हम जो डिस्कस करेंगे वो है ऑफ कोर्स। अब ये जो आर्टिकल है ये कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऊपर ही आर्टिकल है। अभी रिसेंटली क्या बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 24 अप्रैल के आसपास एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सेंट्रल वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत ला दिया जाएगा। ओके, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, पहले तो एक चीज बता दूं कि दो मिनिस्ट्रीज को कंबाइन करने से बनी है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दो मिनिस्ट्रीज को कंबाइन करके बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग
ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो ओके, तो ये दो स्कीम्स को मर्ज करके बनाया गया है आपका, दो मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाया गया। याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है, जल शक्ति दो मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिज्यूविनेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। अब इस जो नोटिफिकेशन आया था कि जल मिनिस्ट्री के अंदर लाया जाएगा कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, उसका अपोज अपोजिशन पार्टी कर रही है। क्यों कर रही है? सबसे पहली चीज़ तो ऑथर ने यह कहा है कि जो अपोजिशन पार्टी कह रही है कि अब जो CWMA है यानी कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो पपेट ऑफ द सेंटर बन के रह जाएगी, ठीक है ना, उनके अंदर आ जाएगी तो पपेट ऑफ द सेंटर बन जाएगी। दूसरा, CWMA जो है वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पे बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने जब 2018 में बोला तब जाके ये बनाई गई, इस बॉडी को बनाया गया है, इसलिए इसको नहीं लाना चाहिए सेंटर के अंदर। तीसरा, उन्होंने ये दिया है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज जब पहले थी तब भी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं था जो कि इनको डेजिग्नेट करे एज अ ऑर्गेनाइजेशन अंडर दिस मिनिस्ट्री। अब ऑथर का ये कहना है कि देखो ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये गलत हैं, ओके, ये आर्ग्यूमेंट्स ऑथर ने बोला कि गलत हैं क्योंकि इससे पहले CWMA जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके पहले जो बॉडी थी जिसका नाम था कावेरी रिवर अथॉरिटी, 1998 से 2013 तक ये बॉडी चली, 1998 से 2013 तक कावेरी रिवर अथॉरिटी जो थी उसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन था, चीफ मिनिस्टर्स जो थे स्टेट्स के मेंबर्स थे, यूटीज के जो थे वो मेंबर्स थे, है ना, एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज जो थे वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स हैड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के अंदर ही था। तो ऑथर ने कहा कि ये तो पहले भी जो बॉडी थी कावेरी रिवर अथॉरिटी, जिसको हटा करके अब कावेरी रिवर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया गया है, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया गया है CWMA, इसके पहले जो बॉडी थी कावेरी रिवर अथॉरिटी वो भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंदर आती थी। तो एक्चुअली सेंटर अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो नोटिफिकेशन है कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर लाया जाएगा, ये तो सेंटर अपनी अपना जो मिस्टेक था, जो लूपहोल था, उसको दूर करने के लिए कर रहा है, तो ये सही बात है ये ऑथर ने कहा है। जो रियल इशू है CWMA का वो ये है ऑथर के अकॉर्डिंग कि इसका जो चेयरमैन है वो अभी 2 साल होने को आए इस बॉडी को बने हुए, लेकिन अभी भी इसका फुल फ्लेज्ड चेयरमैन कोई नहीं मिल पाया है, इसलिए जो इसकी वर्किंग है बहुत ज़्यादा रडर, बहुत ज़्यादा बेकार चल रही है। तो ऑथर ने ये कहा है कि अभी क्या है पॉलिटिकल पार्टीज को हर मैटर को पॉलिटिसाइज करने की आदत होती है, लेकिन वो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। तो अब जो न्यूज आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे काफी ज्यादा अच्छा है, वो इंडिया फ्लेज नॉड फॉर गिलगित बाल्तिस्तान पोल्स। अब हुआ क्या है कि पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी उसको ये बोल दिया कि ठीक है आप गिलगित बाल्तिस्तान वाले रीजन में इलेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब इससे हमारे इंडिया को बहुत ज्यादा तकलीफ है, बिल्कुल होने वाली है, क्यों? क्योंकि ये POK के अंदर आता है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, अपना कब्जा जमा लिया था, अब उसमें इलेक्शन करके उसको लीगल करना चाहते हैं, तो इंडिया इसका बिल्कुल पुरजोर तरीके से विरोध करता है गिलगित बाल्तिस्तान रीजन का। ये एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमस रीजन की तरह अभी तक गवर्न होता आया है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमस रीजन की तरह 2009 से ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमस रीजन की तरह गवर्न होता आया है, ठीक है ना। तो इंडिया का ये कहना है कि नाइदर यू हैव बेसिकली यू डोंट हैव एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस टेरिटरी, आप जो टेरिटरी फोर्सिबली ऑक्यूपाई करते हो उसमें आपका लोकस स्टैंडाई नहीं होता कि आप उसमें इलेक्शन करा सको या ये करा सको, है ना। अब मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, थोड़ा ये मैप बहुत अच्छा मैप है, ये कश्मीर वाले रीजन का मैप है, इसमें आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ। देखो ये क्या आता है, ये वाला जो रीजन है ना अपना, ये वाला जो रीजन है ये अपना POK कहलाता है, इतना रीजन आपका POK कहलाता है, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड गिलगित बाल्तिस्तान। यहाँ पे आपको सक्षगम वैली दिख रही होगी, तो ये जो सक्षगम वैली है ना ये भी ये हमें दो मैप मैंने इसीलिए किए हैं, तो ये वाला जो रीजन है ये तो POK वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन POK वाला रीजन हो गया, ये जो सक्षगम वैली वाला रीजन है, जो ये सक्षगम वाला रीजन है ये 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था, ठीक है, पाकिस्तान सीडेड दिस सक्षगम वैली टू चाइना इन 1963, याद रखिएगा। और ये वाला जो रीजन है तीसरा, जो ये वाला रीजन है ये आपका चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी COK वाला रीजन है, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है, ये सक्षगम वैली है 1963 में, जो बता रहा हूँ एग्जैक्टली याद रखना, 1963 में ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। देन ये आपका POK रीजन है, यहाँ पे आपका गिलगित बाल्तिस्तान है। ये तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी जानना इस मैप में, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। तो इंडिया ने वही बेसिकली एक टर्म यूज़ हुआ था डीमार्क तो डीमार्च जो है वो रिलीज किया है। डीमार्च का मतलब होता है कोर्स ऑफ एक्शन, स्पेशली ए पॉलिटिकल वन, एक पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन आपका डीमार्च कहलाता है, ठीक है ना। तो यही इंडिया ने किया कि एक पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन उन्होंने लिया है, उन्होंने इसका अपोज किया है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि आप तो गिलगित बाल्तिस्तान को खाली करके, हमारे POK खाली करके भागो यहां से, है ना। तो ये भी हमने बोल दिया कि आपने जो इलीगली और फोर्सिबली ऑक्यूपाई किया उसको अब छोड़ने का समय आ गया है, आप उसको छोड़ के जाओ। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। तो आगे जो न्यूज़ हम देखेंगे वो है बेसिकली एक PIL जो कि S. Jayaram Ramesh ने किया है, ओके
एस सी टू हियर PIL ऑन फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। अब ये PIL किया गया है जयराम रमेश द्वारा फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि COVID-19 को देखते हुए एक्यूट फूड शॉर्टेज हुआ है। तो एक्यूट फूड शॉर्टेज के टाइम पे आपको इस जो आपका PDS स्कीम है, बेसिकली जो फूड फॉर ऑल है, उसको आप यूनिवर्सलाइज क्यों नहीं कर देते? उसको यूनिवर्सलाइज कर देने की ज़रूरत है ताकि हर व्यक्ति उसका बेनिफिट उठा सके। ऑथर का ये कहना है, ये PIL की गई कि हर व्यक्ति को उसका बेनिफिट मिल सके, इसको यूनिवर्सलाइज करने की ज़रूरत है। यूनिवर्सल कवरेज अंडर द PDS सिस्टम, PDS के अंदर यूनिवर्सल कवरेज की। अब ऑथर ने यहाँ पे मतलब जो एस जनाम जो जनाम रमेश है उन्होंने क्या किया है, बेसिकली एक पुराने जजमेंट को भी कोट किया जहाँ पे स्वराज अभियान 2 वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का केस है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स टू डिप्राइव एनी हाउस होल्ड इन ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज फॉर द रिक्विजिट फूड ग्रेन मेयरली बिकॉज दे डू नॉट हैव राशन कार्ड। तो ये स्वराज अभियान 2 वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर राशन कार्ड नहीं भी है तो कोई भी दूसरी आइडेंटिटी का यूज करके आप उनको राशन प्रोवाइड करो, लेकिन प्रोवाइड जरूर करो, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पुट ऑफ। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बढ़ा दिया गया है लेकिन डेट अभी क्लियर नहीं है कब है। ऑथर ने सुप्रीम कोर्ट ने UPSC ने ये ज़रूर कहा है कि आपका जो टाइम पीरियड है कम से कम 30 दिन का नोटिस तो आपको दिया ही जाएगा इसके पहले, ठीक है ना। तो आपको काफ़ी टाइम मिलेगा। और अब जो है आज रात में मैं एक लाइव सेशन रखूँगा, रात में या शाम में, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि टाइम इंटीमेट कर दूँ, आपको बता दूँ, और वो लाइव सेशन में आपको बताऊँगा कि अभी क्या करना चाहिए। बेसिकली अभी अब जैसे 1.5 महीने 2 महीने आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते एग्जामिनेशन को, वो हम चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। ये हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम में मूव करते हैं, यहाँ पे DRDO डेवलप्स अ डिसइंफेक्शन टावर। तो DRDO ने एक डिसइंफेक्शन टावर बनाया जिसका नाम है UV ब्लास्टर, ओके। तो अगर आपसे कोई पूछे कि UV ब्लास्टर क्या है, UV ब्लास्टर तो ये डिसइंफेक्शन टावर है जिसको कि DRDO ने बनाया। अब क्या काम करता है, बेसिकली ये ऐसी जगहों पे जैसे जो इक्विपमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक जिनको कि आप केमिकल से साफ़ नहीं कर सकते या आप सेंसिटाइज नहीं कर सकते सैनिटाइज, तो आप उसको क्या कर सकते हैं UV ब्लास्टर का यूज़ करके आप उनको कर सकते हैं। जैसे कि आपका हाईटेक सर्फेसेस लाइक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स, गैजेट्स ऐसे हो गए। इसके अलावा ये उन एरियाज में भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं जहाँ पे शॉपिंग मॉल्स या एयरपोर्ट्स या मेट्रोज होटल्स जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कारगर रहता है ये आपका UV ब्लास्टर कहलाता है, DRDO ने बनाया है फॉर डिसइंफेक्शन, ओके। डिसइंफेक्शन टावर है बेसिकली ये। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम में लास्ट पेज में आएंगे। वहाँ पे एक न्यूज़ है, न्यू हेल्थ वार्निंग्स ऑन द टोबैको प्रोडक्ट पैक्स, ओके। तो टोबैको प्रोडक्ट पैक्स में आप नई वार्निंग, हेल्थ वार्निंग आएगी, और इसमें जो ये वार्निंग आई है बेसिकली ये कैसे आई है, बाय अमेंडिंग एन एक्ट जिसको सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग रूल्स 2008 कहा जाता है। तो सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग रूल्स 2008 में चेंज करके, अमेंडमेंट करके, एक्ट नहीं है रूल्स है बेसिकली, सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग रूल्स 2008 उसमें चेंज करके बेसिकली आपका ये किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। और अब हुआ क्या, बेसिकली वॉयलेशन ऑफ दीज प्रोविजंस इन इज पनिशेबल ऑफेंस। अगर ये जो भी आएगा नोटिफिकेशन में जो भी रूल चेंज किया गया है उसका अगर वॉयलेशन होता है तो पनिशेबल ऑफेंस है, विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन एज प्रिस्क्राइब इन सेक्शन 20 ऑफ द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन एंड एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स, ओके, प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट ऑफ 2003। तो ये जो रूल्स आए थे ना सिगरेट्स एंड अदर टोबैको को, टोबैको प्रोडक्ट्स का जो रूल्स मैंने बताया कि उसमें चेंज किया जाएगा 2008 का पैकेजिंग रूल्स है, उसके अलावा एक एक्ट भी है जिसमें ये पनिशमेंट और वो सब दी गई है। तो इसमें सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट कहा जाता है, 2003 का एक्ट है, उसमें चेंज किया जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। अब क्या है, एनी पर्सन इंगेज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन, सप्लाई, इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिगरेट और एनी टोबैको प्रोडक्ट शैल इंश्योर दैट द टोबैको प्रोडक्ट्स पैकेजेस शैल हैव द स्पेसिफाइड हेल्थ वार्निंग्स। तो उनको यही मेक श्योर करना है कि जो उनके टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनके में प्रेस्क्राइब्ड हेल्थ वार्निंग है या नहीं, अगर नहीं है तो उनको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने की जरूरत है। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।